मेरा इस शो में मैंने सीता जी का किरदार निभाया है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी वापस से मुझे उसी तरह पसंद करें, शो को पसंद करें जिस तरह से आपने मुझे प्यार दिया है मेरे पहले शोज में। अरे बस अलग तो होते ही हैं क्योंकि ये ग्रंथों की कहानियाँ हैं, ये हमारे संस्कृतियों से चलती हुई आ रही है कहानियाँ, तो ये अलग हो ही जाती है। और फिक्शन जब भी आप प्ले करते हो तो वो आप कहानियाँ चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारी हिंदुस्तानी जनताओं के इतने इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं कहानियों से और सब लोग जानते हैं, आपको देखना पसंद करते हैं कि वो जो कहानियाँ चलती हुई आ रही है वो क्या होगी। तो जो हम पढ़ते हैं अगर वही हमें सामने देखने को मिलता है तो उसका एक इम्पैक्ट भी अलग होता है। तो हम वो कहानियाँ चेंज नहीं कर सकते, बस हम लुक फील अलग दे सकते हैं। और हर शो में यही चीज़ होती है, लाइक अब हनुमान आ रहा है शो हमारा दंगल पे, तो इसमें अब कहानी आ रही है हनुमान जी की, जो कलयुग में साक्षात हैं, जो माने जाते हैं और मैं तो बहुत मानती हूँ। कभी भी कुछ भी होता है संकट मोचन हनुमान जी, हमारे सारे संकट दूर कर दो। सो यू नो पीपल हैव दिस फेथ, हमारी जो जनता है हिंदुस्तान जनता को ये फेथ है कि है हनुमान जी। और किस तरह से इस शो में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हनुमान जी ने कितने अवतार लिए हैं आप और क्या क्या किया है अपने भक्तों के लिए, तो ये पूरी कहानी उस पर आधारित है। जी जी ही इज़ सुपर फन टू वर्क विथ एंड वेरी एनर्जेटिक, वेरी फन। तो वी हैड अ गुड टाइम ऑन सेट, या इज़ अ गुड को स्टार। आई मीन ही इज़ माई सीनियर, मैं उनके काफ़ी शोज देखती थी। जब मैं ऐसे बोलूँगी ना तो ऐसा लगेगा उनकी एज ज़्यादा है, इसलिए मैं बोलूँगी नहीं। बट यस आई यूज़ टू लव हिज़ वर्क। जब पेशेंस, आई मीन उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा बोलते हैं ना हर तरीके की दुख आ चुके हैं, बट देन शी हैड दिस पेशेंस, उनके माथे पे कभी सल नहीं आया। इसके अलावा जो हमारी एक बात है वो है कि आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो कितनी सच है उसके ऊपर क्या कहना है? मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो, अगर आप चाहेंगे तो क्यों नहीं होगा। ऑफकोर्स अगर मुझे मौका मिलेगा तो क्यों नहीं। मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। हमारा शो आ रहा है जय हनुमान दंगल पे, इसे भी उतना ही पसंद कीजिए और ढेर सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ आप सभी को और गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले तो मैंने अब तक एक भी माइथोलॉजी की नहीं थी, तो मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी। मुझे जब ये ऑफर किया गया तभी मैंने माई इंस्टेंट रिएक्शन ऑफ वॉज ऑफ नॉट डूइंग इट, क्योंकि उसमें इतना गेटअप वेटअप होता है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शूट एंड ऑल। बाद में मुझे जब कहा गया कि दिस द स्टोरी इज़ अबाउट आफ्टर राम्स पासिंग के उसके बाद की जो स्टोरी है, जब मुझे लुक बताया गया तो मैं और ये हो गई। मैंने कहा यार ये तो सब कुछ, यू आर टेकिंग ऑफ एवरीथिंग दैट, ये एक्टर के लिए क्रचेज होते हैं ना, योर लुक एंड योर एवरीथिंग, तो इसमें तो कुछ नहीं था। बाद में जब व्हेन आई डिसाइडेड टू डू इट, I decided to become a student and learn how to act in a mythological serial. क्योंकि ये ना it is not so easy to do a mythological serial. ये जो गांव दिखाया है वो real set है और उस पर काम करना एक urban Indian के लिए कि गांव उस वक्त का कैसा होगा और उसमें काम करना very difficult. और जो हिंदी साफ हिंदी जो बोलनी है, तो मैं साफ हिंदी बोलती हूँ लेकिन इतनी बहुत संस्कृताइज हम लोग किंतु परंतु ये जो होता है वो नहीं बोलते हैं, तो ऑब्वियसली वो देन आई डिसाइडेड, वंस आई डिसाइडेड टू डू इट, इट वॉज़ वेरी मच एविडेंट दैट आई शुड डू माई पुट इन माई बेस्ट। और इसलिए मैंने स्टूडेंट के जैसे ये काम करना शुरू किया। मैं हमेशा, जैसे मैं हमेशा डायरेक्टर को पूछती हूँ मैंने करेक्ट शॉट दिया है कि नहीं, वन मोर चाहिए कि नहीं, तो ये मैंने देन आई डिसाइडेड कि लेट मी लर्न दिस ऑल्सो, बिकॉज हर जॉनर में मैंने काम किया, ये एक बाकी था तो ये भी मैंने कर लिया। सो आई होप दैट पीपल लाइक मी द वे इट इज़। मैंने अभी जो जितना देखा उसमें मुझे बहुत पूरा, मतलब मैं एनग्रॉस हो गई उसमें शो में, तो या आई होप दैट पीपल लाइक इट, यू नो। आप
मैंने तो कम स्क्रीन टाइम मांगा है, मैंने कहा नहीं, ऐसा होता है कि माइथोलॉजिकल शो जब भी कोई नए लोग करें ना तो फिर वो उनको पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है, विदाउट गेटअप दे विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन मेरे तो छाप है ना, तो मैं तो कहीं भी कोई भी गेटअप पे हूँ तो लोग मुझे पहचानते हैं। सो वो मी दैट वाज नॉट एन इशू एट ऑल। मैं तो कहती हूँ कम स्क्रीन टाइम दो, मुझे अच्छे अच्छे सीन्स दो, मैं आकर करके जाऊँगी। डोंट पुट मी इन एवरीथिंग, यू नो, ये ठीक है ऐसे। तो मैं तो कम स्क्रीन टाइम, इसे लोग क्यों मांगते हैं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम आई विल से कि गेटअप के बगैर आज भी मुझे सबको पूछना पड़ेगा, अच्छा यू आर दिस वन, यू आर दैट वन, ना ऐसा, क्योंकि हमने देखा होता है तभी गेटअप के साथ ही देखा होता है जैसे। सो या मे बी फॉर न्यू पीपल, न्यू कमर्स और न्यू एक्टर्स और नॉट सो नोन एक्टर्स के लिए ये डिफ़िकल्ट शायद हो जाए, लेकिन मेरे लिए तो ये कभी डिफ़िकल्ट, मुझे कोई भी, मुझे लगता है मैं उठ के सुबह में उठ के गाड़ी में जब भी जाती होती हूँ ना, मैं ऐसे मेरे बाल गीले होते हैं, मैं ऐसे चाय पीती होती हूँ तो भी बस में से हाई मैम ऐसे लोग मुझे करते हैं तो भी इट्स ओके फॉर मी। देखिए थिएटर में कभी छोड़ूंगी नहीं, टीवी में कभी छोड़ूंगी नहीं, वेब सीरीज में और ज़्यादा करना चाहूँगी एंड होपफुली मोर इन इंग्लिश, आई वुड वॉन्ट टू डू इट बिकॉज आई एम सो गुड एट, आई एम सो गुड एट द लैंग्वेज एंड आई वुड want to keep on working, why not, jo bhi genre aaye har cheez karungi main. reruns is a good thing to do, kyunki jaisa show ya kahani jaisa show it should be a rerun only, usse phir se aur bahut log pasand karte hain. बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने इतने सालों से आपको एंटरटेन किया है, मैं दंगल चैनल पर ये हनुमान जी के शो में पहली बार आ रही हूँ, एक माइथोलॉजिकल सीरियल कर रही हूँ, तो बस आप देखिए, मुझे जितना प्यार दिया है उतना दीजिए, हनुमान जी की स्टोरी को जानिए, राम के जाने के बाद उनकी क्या लाइफ रही। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ लव एंड प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग द शो। मेरा कैरेक्टर फिजिकल मैनिफेस्टेशन है एक टाइम पीरियड की, कलयुग। कलयुग के बारे में सब जानते ही हैं कि क्या है बेसिकली, उसका कॉन्सेप्ट क्या है कलयुग का। कलयुग इज ट्राइंग टू एंटर इनटू अ टाइम पीरियड व्हेन राम जी हैव जस्ट लेफ्ट हिज किंगडम एंड सो यू नो व्हेन people are still believing in the goodness of their hearts and mind, so he's trying to come in and break that. So yahi hai and how hanuman ji kaise usse ladte hain, kaise usko dur rakhte hain is sansar se, is duniya se. So that's the character. जो पिछली बार मैंने किया था दैट वाज अ वेब सीरीज, सो इट वाज नॉट हेक्टिक, दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस दैट आई हैड। दिस ऑफ कोर्स इज डिफरेंट बिकॉज इट्स अ डेली शो, मंडे टू सैटरडे आएगा, सो देयर इज अ लॉट मोर दैट इज, बट यू नो लकीली विद द प्रोडक्शन वी हैव सिट डाउन एंड वी फिगर्ड थिंग्स आउट सो दैट इट्स नॉट दैट क्रेजी एंड कि हम तो आई कम एंड शूट, ऑफकोर्स काम ज़्यादा होता है, वी ट्राई एंड डू द बेस्ट, सो अपने अपने तरीके निकाल लेते हैं टू सॉर्ट ऑफ लेसन द बर्डन एंड डू आर स्टफ, बट नाउ वी हैव गॉट इनटू द हैबिट ऑफ इट, लाइक अब हो गया कुछ वक्त, हो गया 15-20 दिन हो गए हमको शूट करते हुए, सो वी हैव गॉटन इनटू द रिदम ऑफ इट, तो अब इतनी तकलीफ नहीं होती। अभी ऐसा हो गया तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों को कुछ इससे समझ में आए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू, मैं सिर्फ करने, एक कहानी चल रही है और उस कहानी में कलयुग घुसने की कोशिश कर रहा है, अपना युग लाने की कोशिश कर रहा है। ऑफकोर्स देर इज ड्रामेटाइजेशन ऑल्सो, देर आर बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स कलयुग के थ्रू आते हैं जिनके बारे में शायद कोई जानता नहीं है, सो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं सुना था जिन कैरेक्टर्स को कलयुग इंट्रोड्यूस करता है, सो दैट्स समथिंग दैट एक्साइटेड मी। और मैं भी यही होप करता हूँ दैट आई यू नो समबडी हैज़ टू प्ले द बैड गाय,
एंड दैट्स हाउ यू गेट टू नो कि गुडनेस कितनी ज़रूरी है. सो मैं बस इतना ही होप करूँगा कि लोग देखें तो बस वही लेके जाएं कि अच्छाई कितनी ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है दिल को साफ रखना. It doesn't bother me anymore. I mean, honestly, at least with this show, मैं सिर्फ आता हूँ, अपना काम करता हूँ, अपना काम करके जाता हूँ. That's all I care. Of course, I mean, there are stories where you would like, I would never want to be in a film where there are stars because I know that I'll just be standing around, or you know, in a television show where I'm just standing around. If I have something to do, भले ही चार scene हो, लेकिन अगर कुछ करने को है तो क्यों नहीं. I mean, कोई काम छोटा या बड़ा तो होता नहीं है. बस काम कैसा होता है, उसकी क्वालिटी क्या है, उस सीन की क्वालिटी क्या है, उस कहानी आप उस कहानी में क्या करके जा रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेंथ वगैरह पहले मैटर करता था, ऑफकोर्स आई मीन टेलीविजन में थोड़ा ज़्यादा मैटर करता है, ऐसी बात नहीं है. बट फॉर मी अब ये सब चीज़ों का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ऑफकोर्स आज ही आने वाला है, इनफैक्ट 7:00 PM से. एंड मैं सिर्फ यही कहूँगा, लोग बहुत मेहनत किए हैं, सबने बहुत मेहनत की है. It's not easy to wear the costumes that everybody is wearing, and costume ki baat nahi hai, it's the way everybody is trying to get their characters in, the you know, jitne resources hain un resources ko full potential mein use karna, aur you know, logon ko ek nayi kahani kehne ki koshish karna. They've done a wonderful job, and for their sake I would like, you know, they put in a lot of love into this show, so I would really you know, appreciate it if the audience also put in a love for the show and see the show and enjoy it.